शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी दिवाली की रात्रि में जो हम पूजा करते हैं उसके बाद धन की पोटली किस तरह से बनाई जाती है, संपूर्ण विधि क्या होनी चाहिए, वो प्लीज शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो धन की पोटली को लेकर है, किस तरह से धन पोटली बनाई जाती है, उसे अभिमंत्रित किया जाता है, क्योंकि सिर्फ धन की पोटली बनाने देने से अगर धन आने लग जाए तो बात ही क्या रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी कार्य को करने की एक क्रिया होती है, उस क्रिया के बाद ही वो कार्य आपको पूर्ण फल प्रदान करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी किस तरह से धन की पोटली बनाई जाती है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले एक चीज को समझिएगा, दिवाली की जो रात्रि होती है उस रात्रि का मुकाबला और कोई रात नहीं कर सकती। मतलब पूरे वर्ष भर की सबसे शक्तिशाली रात्रि दिवाली की रात ही मानी जाती है। चाहे आप तांत्रिक क्रियाएं ले लीजिए, तांत्रिक साधनाएं ले लीजिए, पूजा पाठ ले लीजिए। अक्सर क्या होता है, शादीशुदा परिवार जो होते हैं, दाम्पत्य जीवन में होते हैं, वो लोग पूजा करने के बाद में रात्रि में सो जाते हैं। परंतु कुछ लोग रात्रि जागरण कर, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी जागिए, परंतु मैं सिर्फ बता रही हूँ रात्रि जागरण करके कुछ मंत्र कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे वह अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। और उन्हें मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने धन की पोटली ही बनानी है, ठीक है, उसकी भी एक क्रिया होती है करने की, वो आप किसी भी समय पर देखिए कर सकते हैं। मैं आपको आगे समय भी बताऊंगी कैसे की जाती है, ठीक है, तब आपको ये पूर्ण फल प्रदान करती है। तो सबसे पहले चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जान लेते हैं विधि क्या होनी चाहिए और ये कैसे कार्य करेगी ये भी बता देती हूँ। क्योंकि कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण कहता है, महालक्ष्मी माता लक्ष्मी रात्रि में जब भ्रमण पे निकलती हैं, ठीक है, तब वह मतलब इतनी पूजा पाठ इतने दीपकों को देख के रात्रि में जब वह बहुत प्रफुल्ल होती हैं, मतलब उनके चेहरे पर जो मुस्कान का आभा मंडल होता है, ठीक है, उस समय पे यदि माता लक्ष्मी से कुछ भी चीज मांगी जाए तो वह कभी भी देने से मना नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि दिवाली की रात्रि सबसे विशेष रात्रि होती है, उस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होती है, ठीक है। तो तब हम धन पोटली बनाते हैं और इसे अभिमंत्रित करते हैं, तो ये पूरे वर्ष भर हमारे घर में धन की वर्षा करती है। तो विधि जान लीजिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, धनिया, बिना धनिये के धन पोटली पूर्ण नहीं है। धनिये को मतलब माता लक्ष्मी के लिए स्वर्ण के समान माना जाता है, ठीक है। तो ये, और जो धनतेरस में हम धनिया रखते हैं ना, उसे थोड़ा सा आपको गमले में जरूर डाल देना चाहिए, ठीक है। हमेशा आपके घर में आपका घर हरा भरा भरा रहेगा, धन से बरकत रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने धनिया रखा है, पीले अक्षत जो कि मैंने हल्दी से पीले करे हुए हैं, वो पीले अक्षत हमने रखे हैं। आपको चाहिए हल्दी की गांठे, कम से कम 5 गांठ आपको चाहिए, ठीक है। गांठे आप देख लीजिए, ऐसे टूटी वूटी नहीं होनी चाहिए, पूरी साबुत गांठ होनी चाहिए, 5 गांठ आपको चाहिए, ठीक है। ये मेरी लास्ट ईयर वाली पोटली है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने लास्ट ईयर पोटली बनाई थी उसका क्या करना है वो भी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये है नाग केसर, जो लक्ष्मी पूजन में बहुत विशेष महत्व रखता है और धन की पोटली में भी इसे स्थान दिया जाता है। तो ये हमारा नाग केसर है, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए देखिए कमलगट्टे, सॉरी कमलगट्टे नहीं है, गोमती चक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गोमती चक्र चाहिए, उसके बाद में ये है, सॉरी कमलगट्टे, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी में देखा नहीं था, तो ये कमलगट्टे हैं, ठीक है। अब कितने चाहिए वो भी जल्दी से मैं आपको बता रही हूँ। और ये हमारी पीली कौड़ियाँ, ठीक है, कौड़ी सफ़ेद वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास पीली कौड़ी होनी चाहिए। मेरे पास एक पूजा सामग्री का पैकेट भी है, वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, अगर आपको उस तरह का पैकेट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की, पूजा पाठ की जो पुरानी शॉप्स होती हैं, सभी पूजा पाठ वाले दिवाली पूजन के समय पर सारी चीज़ों को रखते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप ले आएंगे। देखिए ये सामग्री वैसे तो आपको ऐसे इजीली दुकान पे मिल जाएगी, परंतु देखिए इस तरह का पैकेट भी आता है पूरा बना हुआ, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये मंजिष्ठा है और बहुत सारी चीज़ें आपको, ये काली कौड़ी होती है, ये सफ़ेद, ये वाली कौड़ी आपको नहीं लेनी है, पीली कौड़ी जो आती है ना यही वाली आपको लेनी है। सफ़ेद वाली कई बार नकली होने का डर रहता है, प्लास्टिक की होती है। इसमें गोमती चक्र दिए हुए हैं, इसमें गुंजा भी दी हुई है, परंतु मैंने कभी भी धन पोटली में गुंजा को नहीं रखा है। यदि आपके यहाँ रखते हैं तो आप रख सकते हैं, वैसे तो मैं कभी नहीं रखती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि क्या है, शुरू से हमारे, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो पुरोहित जी हमारे यहाँ आते हैं पूजा करवाते हैं, वो इसी तरह से धन की पोटली बनवाते हैं, ठीक है। बाकी अभी मैंने आप लोगों के साथ लक्ष्मी आह्वान दीपक भी शेयर किया था, किस तरह से उस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, और बिना उस दीपक के माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो दीपक है वो माता लक्ष्मी को आह्वान करने के लिए, बुलाने के लिए पूजा में प्रज्वलित किया जाता है। उस दीपक की खासियत यह है कि जब आप वो दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी पूजा में स्थायी वास करती ही करती है, ठीक है। तो ये आपकी सामग्री होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लास्ट ईयर ये पोटली बनाई थी, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, एक बार खोल कर बता देती हूँ, क्योंकि हर साल हम लोग पोटली बनाते हैं और इसमें जो सामग्री होती है, ठीक है, यदि आपने भी इस तरह से पहले पोटली बनाई है तो इसी सामग्री को निकालकर प्लेट में रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ हल्दी निकाल ली, यहाँ पे कमल, ये देखिए ये पीली कौड़ियाँ जो हमने डाली हुई है, कमलगट्टे डाले हुए हैं, इन्हें अलग से कटोरी में निकाल के आप इसमें भी गंगा जल का छींटा देकर वापस से पूजा में रख सकती हैं, ठीक है। तो मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ, कुछ चीज़ जैसे मुझे धनिया वगैरह लगता है तो मैं उसे चेंज कर देती हूँ, जैसे इसमें धनिया भी है, अक्षत के दाने हैं, तो उसे मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ से सिक्का हम निकाल लेंगे, ठीक है, सिक्का आप हर साल वही देखिए, सिक्का आपको लेना है जिसमें माँ लक्ष्मी बनी हो, गणेश जी, सरस्वती जी, देखिए आप ध्यान से देखिए, पास से आपको पूरा दिख जाएगा, इस तरह का सिक्का आपको लेना है। अगर ऐसा सिक्का नहीं है आपके पास, ठीक है, कई बार हमारा सामर्थ्य नहीं होता है, तो आप इस तरह से नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पिछली बार की सामग्री है। अब अभी आप धन की पोटली किस तरह से बनाएंगे, इस पोटली को मैं साइड में रख देती हूँ,
इस पोटली को वैसे तो मैं लक्ष्मी पूजा के दिन ही खोलती हूँ, परंतु आज मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम बचपन से जो चीज़ें देखते आ रहे हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो पुरोहित जी हमसे करवाते थे, क्योंकि शुरू से वही हमारे यहाँ पूजा में पूजा करवाते हैं। तो देखिए आपको किस तरह से पोटली बनानी है, वह ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए 5 हल्दी की गांठें, ठीक है। आपको चाहिए पीली कोड़ी 5। इसके बाद आपको चाहिए 5 कमल के गट्टे, ठीक है। ये कमल गट्टे वगैरह सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है और लक्ष्मी पूजा में तो कमल गट्टे का बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है। गोमती चक्र भी आपको 5 चाहिए। गोमती चक्र और कौड़ियाँ जो होती है वह माँ लक्ष्मी की प्रिय इसलिए होती हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और समुद्र में मिलने वाली चीज़ें माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएँ होती हैं। और लक्ष्मी पूजा में हमेशा दक्षिणावर्ती शंख भी रखा जाता है। थोड़े से आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, एक चुटकी कम से कम, ये नागकेसर है, ठीक है, एक चुटकी ही लेना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद में 11 चुटकी आपको चाहिए धनिया, ठीक है। चुटकी से ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा आपको भर भर के नहीं लेना है, नॉर्मल, जैसे 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 चुटकी धनिया आपका आ गया, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 5 चुटकी आपको चाहिए चावल, हल्दी से पीले कर लीजिएगा, 1, 3, 4, 5, क्योंकि अक्षत को धन का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हम धन की पोटली में अक्षत को रखते हैं। जिस तरह से अक्षत बनने पर बहुत वृद्धि उसमें दिखती है, उसी तरह से ये आपके घर में भी हमेशा धन धान्य की वृद्धि करता रहेगा माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। तो इन सभी चीज़ों को आपको रख लेना है, ठीक है। अब इससे जब आप महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, तब उस पूजा में रख दीजिएगा इस थाली को। इसी तरह से आपको थाली तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब आपको इनका पूजन करना है माता लक्ष्मी की, जब आप पूजा करेंगे उसी समय पे। पूजा की विधि क्या होगी ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें मैंने जल रख लिया है, फूल से हम छीटा दे देंगे सभी सामग्री को। ओम पवित्रो पवित्र इस तरह से करते हुए, ओम अपवित्रो पवित्र करते हुए सामग्री को स्वच्छ कर लेंगे। गंगा जल का छीटा दे दीजिएगा। अब हल्दी से पूजन कर देंगे समस्त चीज़ों का, मतलब हल्दी का आपको छीटा दे देना है। रूढ़ी का छीटा हम दे देंगे समस्त सामग्री पे, अक्षत का हम छीटा दे देंगे। थोड़े से हम यहाँ पे पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से पूजन करके थाली माँ के सामने ही आप रखी रहने दीजिएगा। अब इस थाली को ठीक है, रात्रि 12 बजे से 4 बजे के बीच में, 12 के बाद कभी भी, ठीक है, 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको इसकी पोटली तैयार करनी है। पोटली के लिए इस तरह से आप लाल रंग की पोटली ले सकते हैं, आपको ऐसी पोटली पूजा पाठ की शॉप पे आराम से मिल जाएगी, या अगर नहीं मिलती है तो जिस तरह से मैंने पहले बनाई हुई थी, ये लाल रंग के कपड़े को आप काट लीजिएगा, उससे मौली बांध के पोटली तैयार करके आप इस तरह की पोटली में भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। अब इस सामग्री की आपको पोटली तैयार करना है। पोटली किस तरह से तैयार करेंगे समझ लीजिएगा, आप डायरेक्ट इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और या तो आप इस तरह से कपड़ा काट के उसमें भी अपनी धन की पोटली को तैयार कर सकते हैं। पूजा पाठ आपने कर लिया, धूप दीप दिखा दिया, अब रात्रि जब 12 बज जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, पोटली जब आप तैयार करेंगे, ठीक है, मैंने आपको चीज़ें बता दी है क्या क्या लगेगी पोटली तैयार करेंगे, ठीक है, सामग्री मैंने पूरी बता दी है। 1 कमल गट्टे की माला लेनी है, कमल गट्टे की नहीं हो तो तुलसी की चलेगी, तुलसी की नहीं है तो रुद्राक्ष की माला चलेगी, कोशिश करिएगा कमल गट्टे की माला लीजिएगा। मंत्रों का जाप करना है, कौन सा मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, 108 बार जाप करके इस सामग्री को अभिमंत्रित कर लीजिएगा, तभी ये सामग्री आपको शुभ फल देगी। मंत्र क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर दे दूंगी, और वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः मंत्र का आपको 108 बार यानी कि एक माला जाप कर लेना है। जाप करने पर ये आपकी जो सामग्री है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। धूप दीप दिखा दीजिएगा एक बार, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए जय माँ लक्ष्मी, जो भी आपको माँ लक्ष्मी का नाम याद है उस तरह से इस पोटली को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। समस्त सामग्री इस पोटली के अंदर आप रख दीजिएगा, ठीक है, सारी सामग्री आपने डाल लेना है। माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहिएगा, स्मरण करते रहिएगा कि हे माँ लक्ष्मी इसी तरह से हमारी तिजोरी में बरकत बनाए रखिए। सारी सामग्री को आप डाल लेंगे, ठीक है, ये आपने सिक्का रख लेना है, और यदि चाहें तो ये सिक्का भी रख सकते हैं, परंतु मेरे पास में ये वाला सिक्का है तो मैं यही रखूंगी, ठीक है। इसके पश्चात देखिए इस तरह से हम पोटली को अच्छे से बांध लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये पोटली मेरी थोड़ी सी छोटी है इसलिए मैंने कपड़े में बांध लिया है। अब मौली की सहायता से मैं बांध लूंगी, पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद में अभी इसे स्थापित नहीं करना है, इसे स्थापित कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस पोटली को बनाने के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में ही आप रख देंगे, ठीक है। आपने रख दिया, यदि सोना चाहते हैं तो सो जाइए जाकर, क्योंकि 12:05 पर भी आप इस पोटली को बना सकते हैं, परंतु 4 बजे के बीच ही बनाइएगा।
अब इस पोटली को बना के आपको माता के चरणों में ही रख देना है, ठीक है, सुबह में जब आप उठेंगे स्नान वगैरह करने के बाद में, ठीक है। स्नान कर लिया, धूप दीप आपने एक बार सुबह की आरती कर दी, दिखा दी, अब माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, ठीक है। तिजोरी में आपने रख दिया, कभी भी जैसे शुक्रवार का दिन आया या अन्य दिन जब भी आप पूजा करते हैं तिजोरी की, धूप दीप जरूर दिखाइएगा, शुक्रवार की शुक्रवार दिखा सकते हैं। और इस सामग्री को आप हर साल पूजा में रख सकते हैं। धनिया अक्षत वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बाकी सामग्री देखिए, कौड़ी वगैरह को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें गंगा जल का छीटा देके वापस से पूजा में प्रयोग आप कर सकते हैं। इसे आप स्थापित कर दीजिएगा, इसी तरह से विधि मैंने आपको बताई है, परंतु अभिमंत्रित करना मत भूलिएगा, केवल 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पे मैं मंत्र को लिख दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस तरह से पोटली बनाई जाती है, ठीक है। पोटली ये जो बनती है ये बहुत मतलब सुखदायक होती है, लक्ष्मी प्रदायक होती है। और माता लक्ष्मी का देखिए, आप माँ लक्ष्मी को घर में तो नहीं रोक सकते, परंतु उनकी प्रिय वस्तुओं से आप माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जरूर पा सकते हो। तो आशा करती हूँ इस दीपावली धन की पोटली आप अवश्य रूप से बनाएंगे, और इस पोटली को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और लक्ष्मी आह्वान का दीपक किस तरह जलाते हैं वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।